देखिए, मुझे सुबह जानकारी मिली कि कोई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें प्रमुख रूप से महिलाएं थीं, जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य थी, उन्होंने आके जो है कांग्रेस पार्टी कार्यालय के समक्ष जो है नारे लगाए। अब ठीक है, नारे लगाना उनका अधिकार है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है। और जहाँ तक कंगना रनौत का प्रश्न है, ये मामला मुंबई में हुआ है, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, जैसा कि अखबारों में आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि उनका कोई निर्माण गिराया है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से क्या मतलब है उसका। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कंगना रनौत जो है इस मामले को लेकर कोर्ट में गई हैं, तो ये मामला जो है विचाराधीन है, सब जुडिस है, तो इसलिए हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब जब मामला कोर्ट में है, अब निश्चित तौर पे जो न्यायालय इस पे फैसला करेगा, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भी गलत पक्ष होगा निश्चित तौर पे कोर्ट इसका जो है संज्ञान लेगा। जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह का धरना प्रदर्शन करना जो है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। क्या उन्होंने जो बयानबाजी की है, किस आधार पे बयानबाजी की है, ये उनका अपना जो है व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, अगर उनको वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनको हिमाचल सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है, तो ये प्रदेश सरकार ने कारण देखे होंगे कि क्यों उनको सुरक्षा की जरूरत आन पड़ी। अगर दी है, ये सरकार का अपना मामला है। लेकिन मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि इस वक्त प्रदेश में जिस ढंग से कानून व्यवस्था के जो है खस्ता हालात हैं, अभी भी कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें हत्याएं हुई हैं, एक ईशा कटोच का मामला सामने आया है जिसमें आरोप लगाया कि उसकी जो है उसके ससुराल वालों ने जो है उसकी हत्या की है, तो इस तरह के मामले जो है उसके बारे में तो कभी महिला मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 2.5 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनी है, दर्जनों ऐसे मामले आए हैं जब छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। शिमला में एक हरियाणा की युवती है, उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन अभी तक जो दोषी है वो पकड़े नहीं गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा संवेदनशील है, जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है उनके बारे में इनकी क्या राय है, क्यों नहीं ये धरने कर रहे हैं, क्यों नहीं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खाली जो है राजनीति करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो हम राजनीति का जवाब राजनीति से देना जानते हैं। सर तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह की जो बातें हो रही है वो अधिनायकवादी सोच है। ये मुल्क जो है कानून से चलता है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। ये नहीं उठा के हर कोई सिरफिरा व्यक्ति बोल दे कि उसका सिर फाड़ दो, उसका घर तोड़ दो, ऐसा कुछ इस देश में जो है होने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, ना हम चलने देंगे। अब आप बताइए, जिसने भी ये बयान दिया है, क्या उसने अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया? अगर प्रियंका गांधी जी ने मकान बनाया है, उन्होंने पूरी परमिशन ली है, उनका जो निर्माण है वो पूरा वैध है, अब आप खाली उठ के बोल दो कि उसका घर तोड़ दो, तो किसके घर बचेंगे? अगर समाज में इस तरह की प्रवृत्ति चलेगी, इस तरह की जो सोच जो है समाज में चलेगी, तो किसका घर बचेगा? क्या आपको लगता है कोई सुरक्षित रहेगा? ये सारी बातें जो है मुझे लगता है ये एक विकृत मानसिकता को दर्शाती है। बोलते आए कि इस सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिए। जिस ढंग से आज मामले बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से जो है चिंता का विषय। और अब तो अधिकारियों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि शिमला में और कुछ क्षेत्रों में जो है हम कम्युनिटी सपरेट की तरफ जा रहे हैं, सरकार के हाथ खड़े हैं, सरकार ने भगवान भरोसे और राम भरोसे लोगों को छोड़ दिया। सरकार बिल्कुल असफल जो है सिद्ध हो रही है। और अगर आज ये स्थिति बनी है, इस स्थिति के लिए जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो निश्चित तौर पर जिम्मेवार।